हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया यूट्यूब से कचरा निकाल। ये यूट्यूब का वो गुरु है जिसके 2 मिलियन फॉलोअर्स है, या तो कह सकते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन इतनी ज़्यादा गंद बचा के रखी है कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है वैसे ही बदबू आने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी, हम सब की अपनी दीदी, जो कि इसी गंदी मच्छी है जिसने पूरे के पूरे तालाब को गंदा करके रखा है। और इसका देखते देखते जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो लोग सेम वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में भेड़ चाल बहुत ही ज़्यादा चलती है। खैर, दीदी ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो ये है कि वो फ्री में देने को हुई तैयार। यस, आप लोग सही समझ रहे हो, दीदी फ्री में देगी। क्या देगी वो मैं आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दीदी ने अपने लास्ट वीडियो के थंबनेल में लिखा था कि अब तो सच बोल दो BSDK। BSDK का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, भोसड़ी क्या? दीदी के डिक्शनरी में BSDK का मतलब है भाई सेल्समैन ऑफ डम्ब कंटेंट। कंटेंट की स्पेलिंग भी दीदी ने K से लिखी है, हालांकि C से आती है, बट दीदी कुछ ज़्यादा ही तेज है, इतनी तेज है कि आप लोग खुद देख। दीदी के हिसाब से भाई सेल्समैन ऑफ डम कंटेंट है, तो मैं दीदी को इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इतनी जो प्रीवियस मूवी भाई ने बनाई थी, ये क्या वाकई में डम थी, या ये तुम्हारे ताऊ ने बनाई, या तुम्हारे अंकल ने बनाई, या तुम्हारे डैडी ने बनाई, या तुम्हारे पिताजी ने बनाई, या तुम्हारे पापा ने बनाई, या तुम्हारे अब्बा ने बनाई, या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने बनाई है, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, किसने बनाई है जो ये मूवी आपको नज़र नहीं आई, बस आपने उसकी वही मूवीज़ देखी जो फ्लॉप हुई है। यार, हर एक इंसान के बुरे वक्त और अच्छा वक्त आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस बंदे को इस तरह से ट्रोल करो कि यार जब उसका किसी वेब सीरीज से लेना देना ही नहीं है, फिर भी तुम उसको एज अ थंबनेल में यूज़ कर रही हो, तो ये साफ समझ में आता है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी तुमको पता है कि तुम्हारे वीडियोस लोग अब नहीं देखते, तो तुम एक बड़े स्टार जिसको क्रिटिसाइज करके तुम अपने घर की रोटी चला रहे हो। अगर तू इतनी ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इतनी ही ज़्यादा समझदार है, इतनी ज़्यादा चालाक है, इतनी ज़्यादा होशियार है, इतनी ज़्यादा चुप नहीं, तू तो वो है नहीं, तू तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, तो क्यों इस तरीके की चूतिया पाव वाली हरकतें करी जो कोई भी बोल सके। और यार, मनोज बाजपेयी जैसे इंडिया के एक ज़बरदस्त टैलेंट, जो कि तेरे हिसाब से भी टैलेंटेड इंसान है, तो फिर तुझे सलमान खान की क्या ज़रूरत पड़ गई फैमिली मैन सीरीज़ को प्रमोट करने के लिए? तुझे पता है कि तेरे वीडियो सब कोई देखता नहीं, वो जो बचे कुचे लोग हैं वो तेरी वीडियो सिर्फ इसी वजह से देखते हैं, और तेरी वीडियो को देखते दौरान वो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं। बेड शीट में भाई साहब अखबार बिछा लूँ हूँ, एक तेल की बोतल ले लूँ हूँ, ठीक है, और बढ़िया ऐसे धार बना के, और बाकी आगे समझ गए होंगे क्या करते हैं। मैं तो तुम्हें एक ही चीज़ बोलूंगा दीदी, कि इस बार तुमने जो लिमिट क्रॉस की है वो तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी साफ समझाता है, और जो दूसरे यूट्यूबर से जो तुमको फॉलो करते हैं या जो तुम्हारी टट्टी बन के घूमते हैं उसका भी नंबर आएगा। अभी थोड़ा वक्त है, अभी पहले हम बड़ी मगरमच्छ का पहले शिकार करेंगे, उसके बाद वो छोटे छोटे टट्टी टट्टा है उनकी भी बजाएंगे। और हाँ, दीदी फ्री में क्या हुई देने को तैयार, गंदा मतलब निकाल रहे हो तुम लोग हैं। दीदी फ्री में देगी प्राइम मेंबरशिप, अमेजन प्राइम की मेंबरशिप देगी फ्री में। सारी गोलगप्पे की दुकान पे जाएगी तो गोलगप्पा भी उससे ज़्यादा महंगा बिकेगा, लेकिन फिर भी वो प्राइम मेंबरशिप देने को तैयार है, तो भाई टूट पड़ो, लूट लो, वेट किसका कर रहे हो भाई? BSDK जितने भी सलमान खान के फैंस हैं, जितने भी वो लोग हैं जिन्होंने राधे मूवी को अच्छा बोला है, भाई अब तुम्हारे पास एक गोल्डन मौका है, प्राइम मेंबरशिप मिल रही है बिल्कुल फ्री में, जाओ टूट पड़ो, मचा डालो। यार क्या कर रहे हो तुम लोग, अगर उसने 200 लोगों को भी दे दी ना, समझ लेना भाई गंगा नहा के आ गए तुम लोग। सीरियसली बोलते ना, मुंह में आ भग दिया, गाने में हक दिया, बस वही हिसाब है दीदी का, दीदी इज इक्वल टू टट्टी, बस दैट्स इट। मैं फाइनली इतना ही बोलूँगा कि यार हेट नहीं फैलाना, अपने को प्यार फैलाना है, और अपने को अपनी तरह से पॉजिटिविटी फैलानी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो घू करने पर मजबूर हो चुके, तो ऐसे लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मेरे दोस्त।